तो दगड़ियों पहुंच गया हूँ जंगल में और गाय चर रही हूँ यहाँ ऊपर टॉप में। तो यहाँ पे दिख रही एक लकड़ी गिरी हुई काफी बड़ी है, तो इसको ले जाऊंगा घर को, आग जलाने के काम आएगा। ये है चीड़ की लकड़ी, ये है चीड़ की लकड़ी और यहाँ से ये वाला टूट रखा है ऊपर वाला, तो काफ़ी बड़ी लकड़ी है, भारी है। ले जा पाऊँगा या नहीं ले जा पाऊँगा, कोशिश करूँगा, ले जाऊँगा इसको, आग जलाने के काम आएगा। और लोग नहीं आ रहा तो नीचे आए हैं घास काटने के लिए चाची लोग, तो घास तो हो रही है बहुत ज़्यादा, एकदम हरा भरा जंगल, गाय भैंस के लिए चरने के लिए तो बाहर हो रही है। तो दोस्तों कंधे में रख दिया है मैंने और भारी तो काफ़ी हो रहा है, तो इसको ले जाऊंगा। और रास्ते भी नहीं हैं इस तरफ से, ऐसा रास्ता है, ये है रास्ता ऐसा फिसलने वाला, ये रास्ता तो है बहुत ही डेंजर। सूखी लकड़ी है तब तो ले जा पा रहा हूँ, नहीं तो कच्ची होती तो ये हिलती भी नहीं मुझसे। और इसको रख दूंगा यहीं पे, अभी जब गाय को लेके जाऊंगा घर को तो लेके जाऊंगा इसको, और ये रख दिया मैंने इसको यहाँ पे। जंगल में काफ़ी लकड़ियाँ पड़ी होती हैं, कोई पूछने वाला भी नहीं है, और पहले तो छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े तक नहीं मिलते थे, अब तो घरों में सभी के गैस आ गई है, तो लकड़ियाँ ले जाना बहुत कमी हो गया है। पहले ठीठे भी लेके जाते थे जो चीड़ के फल होते हैं, अब तो वो भी बहुत सारे गिरे हुए हैं ऊपर की तरफ। तो फाइनली पहुंच चुका हूँ घर पे और हो गया है बहुत ज़्यादा भारी, और ये रख दिया मैंने यहाँ पे। तो दोस्तों अब करता हूँ दिन के खाना बनाने की तैयारी। हेलो दोस्तों, तो आज बनेंगे, ये है हमारे उत्तराखंड की पहाड़ी दाल गहत, तो इसके बनेंगे डुबके। तो दोस्तों इसको उबाल के जो पानी होता है उसे पीने से पथरी भी कटती है, तो ये पथरी को बताते हैं कि जड़ से ख़त्म कर देता है, तो ये स्वाद में भी बहुत अच्छी होती है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक। तो आज बनेंगे इसके डुबके और मैं पीसूंगा इसको सिलबट्टे में। तो दोस्तों अब इसको पीसता हूँ। तो दोस्तों सारे गहत पीसे जा चुके हैं अब, और इसको इकट्ठा करके सिलबट्टे में पिसा हुआ, चाहे मसाला हो चाहे कोई भी दाल हो, गहत हो, भट हो, और हल मर्च, हल्दी मिर्च जो भी सब कुछ है, और इसमें पीसने का तो जो इसका टेस्ट होता है बहुत ही ज़बरदस्त होता है। सिलबट्टे में आपने जो भी पिसा हुआ है उसका तो टेस्ट ही अलग होता है, एकदम मस्त। तो सारे बहुत पीस दिए हैं और ये रखा है, और इसको बोलते हैं स्थानीय भाषा में महट, और पानी रखा है गर्म करने के लिए कढ़ाई में, और पानी भी गर्म हो चुका है, तो ये सारा महट में डाल दूंगा इसमें। तो मैं तड़का मारूंगा लास्ट में, तो इसमें लास्ट में मारूंगा मैं लहसुन का तड़का जो बना रहा हूँ पुरानी विधि से, जो हमारे पहाड़ों में ऐसे बनाया जाता था पहले। कुछ भी बनानी है दाल कढ़ी और जो भी डुक्के हैं तो लास्ट में तड़का मारते हैं, तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है वैसे, तो इसको भी मैं ऐसे बनाता हूँ। दोस्तों ये सारा महट में डाल देता हूँ कढ़ाई में, तो दोस्तों अब इसको अच्छे से मिला देता हूँ। ये अभी मैंने इसमें तड़का नहीं मार रखा है, अभी मैंने गर्म पानी में ऐसे इसको महट को डाल दिया है, और तड़का मारूंगा लास्ट में, जो हम पहले बहुत पहले ऐसे तड़का मारते थे जो हमारे अच्छा टेस्ट आता है लोहे के डाड़ू से, लेकिन अब तो लोहे के डाड़ू है नहीं, ये तो स्टील का, मैं स्टील से ही तड़का मारूंगा। तो दोस्तों जिसने भी गहत के डुबके बनाए हैं और खाए हैं तो कमेंट करके बताना, और जिसने नहीं बनाए हैं कभी तो अब आप भी बनाना, बच्चों को भी खिलाना, तो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। और ये पहाड़ी दाल ये तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है, तो जो गहत है, गहत का बताते हैं कि जो पानी होता है, पानी भी जैसे गहत को उबालते हैं तो उसका जो पानी बचता है उसको पीने से पथरी भी कटती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है शरीर के लिए। और ये बन गया है इसमें पूरा झाग ही झाग,
तो अब मैं इसमें डाल देता हूँ मसाले और ये अपने आप पकता है ऐसे, और लास्ट में जब पक जाएगा फिर मारूंगा इसमें तड़का। दोस्तों यह है मसाला, और ये डुबके में हल्दी नहीं डालते हैं, तो इसमें मैं हल्दी नहीं डालूंगा एक। और ये डाल दिया है इसमें नमक, स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हो जितना नमक खाते हो, नमक तो ऐसे कम ही खाना चाहिए। और ये सारा कुछ मसाला डाल दिया है मैंने इसमें, धनिया भी डाल दिया, मिर्च भी डाल दी, सारे मसाले इसमें मैंने डाल दिए हैं। और अब कर देता हूँ इसको अच्छे से मिक्स। अब इसको ऐसे ही हिलाते रहना पड़ेगा और नहीं तो ये उबाल आ जाएगा, तो अभी जल्दी पक जाएगा। ये तो सारे पीसे हुए हैं और लगभग लगभग पक ही चुके हैं, 4-5 मिनट और पकने देता हूँ अच्छे से। तो दोस्तों खुशबू तो अभी आने लग रही है, धीरे धीरे जब तड़का मारूंगा तो और मस्त खुशबू आएगी। अभी तो इसमें मसालों की खुशबू आ रही है, लेकिन टेस्ट तो फिर भी अच्छा हो गया होगा, लेकिन जब मारूंगा तड़का फिर आएगा और भी मस्त इसमें टेस्ट। अब इसमें रखता हूँ तेल, तो तेल लग दिया है मैंने, और अब इसको ऐसे गर्म होने देता हूँ, फिर इसमें डालूंगा हींग और लहसुन, और डुबके भी पक रहे हैं साथ साथ। लोहे का डाड़ू है नहीं, लोहे का डाड़ू होता तो और अच्छा रहता। तो आप तड़का पहले भी मार सकते हैं कढ़ाई में, तेल और लहसुन जीरा और हींग जो भी रखना आप चाहते हैं, तो उसके बाद मैट को डाल के। और डुबके भी पक चुके हैं, और ये डाल दिया मैंने इसमें हींग, ये तो दोस्तों इसमें डाल दिया है अब लहसुन भी, और मारा जाएगा अब इसका तड़का। तो दोस्तों यदि आपको मेरे द्वारा ये बनाई गई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर तो अधिक से अधिक कर देना, और चैनल पर नए हो अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको पहाड़ की ऐसी वीडियो और भी देखने को मिलेंगी। लहसुन भी अच्छे से पक गया, अब मैं इसमें मारता हूँ तड़का। ये बन गया दोस्तों, ये बन गए हमारे पहाड़ के गहत के डुबके, और अब आ रही है खुशबू एकदम मस्त वाली। तो दोस्तों अब भटके टुके पक चुके हैं, आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो पसंद आएगी, तो कमेंट करके बताना। और आज खाएंगे गहत के टुके, और साथ में हरी मिर्च, ये है हरी मिर्च भी घर की अपने खेत की। तो दोस्तों स्वाद हो रखा है बहुत ही टेस्टी पहाड़ के गहत के टुके। तो अब आता हूँ थोड़ा घूम के यहीं पास में ही अपने वहाँ की धार में, और अभी थोड़ी देर पहले अभी पहुँच गया हूँ यहाँ धार में, और यहाँ से क्या मस्त लगता है, काफ़ी लोग अभी ग्वाला भी हैं। और क्या मस्त और खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से, और वहाँ उस तरफ भी दिखाई दे रहे हैं कुछ कुछ लोग ग्वाला। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, और एकदम ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो दगड़ी आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, फिर मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, स्वस्थ रहें मस्त रहें, धन्यवाद नमस्कार, जय देवभूमि उत्तराखंड।